अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ फरसान रजा, वेलकम टू माई चैनल किचन वॉक। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ढाबे स्टाइल अंडा। जिस तरीके से ढाबे पे बनता है उसी तरीके से बनेगा ये, स्पाइसी खा के आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। पैन में ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून बटर, टू टेबल स्पून ऑयल, दो प्याज लिए मैंने बारीक चॉप कर लिया उसको, दो टमाटर लिए मैंने उसको भी बारीक कट कर लिया। ये मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 10 से 12 मिनट फ्राई करूँगा। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगा। 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। आधा गिलास में पानी ऐड करूँगा। 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगा, जब तक मसाला भुन नहीं जाता। देखिए अच्छी तरीके से भुन गया है। मैंने 4 अंडे लिए थे, उसको बॉयल करके कट कर लिया बारीक, ये इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लें इसको अच्छे से। बारीक हरी मिर्ची ले ली है मैंने 3, इसको बारीक कट कर लिया, ये ऐड करूँगा इसमें। देखिए फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगा। देखिए मैं इसको निकाल लूँगा ऐसे। अब मैं एग फ्राई करूँगा, उसकी तरफ चलते हैं। मैं छोटा पैन एक मैंने ले लिया है, इसमें मैं एग फ्राई करूँगा। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करूँगा मैं। दो एग मैंने इसमें डाले हैं तोड़ के, अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर मैं इसको हिलाऊंगा। अब देखिए मैं अंडे को तोड़ दूंगा इस तरीके से। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दिया, अब मैं इसको अंडे पे डालूंगा। अब मैं अंडा इस पर डालूंगा, ऐसे इसको तोड़ तोड़ के मिक्स कर दें। अब मैं इसका रोगन पेप फ्राई करूंगा। देखिए अब मैं इसकी तली तैयार करूंगा। 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगा, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगा चिली पाउडर, मिक्स कर लें अच्छे से। अब मैं इसको अंडे के ऊपर डालूंगा, अभी तरी मैं एग के ऊपर डालूंगा। देखिए ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पकाते हुए भी सॉल्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं अलग से डालूंगा, ठीक है। इस पर स्प्रिंकल करूंगा जैसे जिस तरह से हाफ फ्राई पे करते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट और ग्रीन चिली है, स्लाइस में कट कर लिया मैंने इसको, ये भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगा। देखें ढाबा स्टाइल अंडा तैयार हो चुका है। इसको परांठे के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरी डिश आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके फॉलो करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।